Live 26. अब एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी. Exquisite etching has been designed by none other than Nandita Puri, and the photograph, the logo here, I'm not sure whether you can see it very clearly, but that is the photograph that was clicked by the London-based photographer Vipul Sangoi. So this is it. Nice rough cut, as rough as Om Puri ji. Absolutely. एक तो मैं समझती हूँ इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज के जो फर्स्ट मेमोरियल लेक्चर है आज श्याम बेनिगल जी के बाद गोविंद निहलानी जी के बाद मैं इधर पहला लेक्चर देने वाली हूँ ऑन द फर्स्ट फाउंडेशन ईयर एंड मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है क्योंकि ओम जी वॉज अ लार्जर देन लाइफ एक्सप्लोजिव टैलेंट दैट इंडिया हैड. मेरे हिसाब से दे वेंट टू सून, ही वेंट टू सून, एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ यू नो इररिप्लेसेबल लॉस टू द फिल्म इंडस्ट्री. तो जैसे कि मैंने कहा, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है एंड मैं समझती हूँ नंदिता जी भी बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं. आप देखेंगे आगे स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं एंड सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं टू पीपल हु रियली नीड. सो द फाउंडेशन इज़ डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क एंड जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी टू बी हियर टू यू नो ऑन दिस सॉलेम ओकेजन वेयर द फर्स्ट ईयर ऑफ द ओम पुरी फाउंडेशन हैज़ जस्ट टेकन बर्थ. तो मैंने बोल दिया ना, इरिप्लेसेबल लॉस. तो उमेश सर ने काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म्स की है हॉलीवुड में जाके, तो कितना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने आगे तक बढ़ाया है? आई थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंडिया में भी और पूरे देश, पूरे यू नो लिटरली ऑन द होल प्लैनेट, ऑन द ग्लोब, ही पुट इंडिया ऑन द ग्लोब विथ हिज टैलेंट एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. क्योंकि जब ओम पुरी जी वगैरह हॉलीवुड जाते थे, यहाँ तो ऐसे लगता था कि कोई चांस ही नहीं कि हमारे एक्टर्स भी इंटरनेशनल फिल्म्स करेंगे, एंड ही मेड द ब्रेक थ्रू फर्स्ट, विच आई थिंक वॉज प्योरली ऑन हिज टैलेंट. क्योंकि उन तरीके का लेजेंड और जिस लेवल ऑफ उनकी जो कला थी, आई थिंक कोई मैच नहीं कर सकता, न कर पाएगा अकॉर्डिंग टू मी. आपको याद है आपका फर्स्ट इंटरेक्शन विद ओम पुरी सर? जी हाँ बिल्कुल. मैंने तीन फिल्में की उनके साथ. एक फिल्म थी आन, एक फिल्म थी विनाशक, और शायद और भी की होंगी जो अभी एकदम फिलहाल याद नहीं. लेकिन मुझे याद है मेरा जो पहला सीन था वो मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि यू नो उस समय मैं नई सी थी एंड यू नो जस्ट सॉर्ट ऑफ मेकिंग माई मार्क इन द इंडस्ट्री, और मुझे मौका मिल रहा था यू नो ओम पुरी जी के साथ काम करने का. तो जो पहला सीन था, तो उन्होंने शायद पहचान लिया कि मैं थोड़ी नर्वस हूँ उनके साथ डायलॉगबाजी करने में, ये वो. तो मेरे पास आई, बोली क्या नर्वस हो क्या? तो मैंने कहा हाँ थोड़ा सा, मतलब मेरा इतना लंबा डायलॉग है और आप खड़े हैं सामने, तो आपके सामने परफॉर्म करना तो बहुत बड़ी बात है. बोला अरे वो सब भूल जाओ, चलो मैं तुमको जोक सुनाता हूँ. एंड उन्होंने स्टार्ट किया अपने जोक सुनाना, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था कि वो हंसा हंसा के ना यूज़ टू मेक द अदर पर्सन कंफर्टेबल. तो उनमें वो बड़प्पन था जो काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार्स में नहीं है. वो समझते हैं उनकी ही परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होनी चाहिए, तो दूसरी की परफॉर्मेंस ख़राब कर दो. काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ओम पुरी जी का कहना ये था कि अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस दोगी तो मैं भी अच्छा परफॉर्म करूँगा, और हमें एक सीन यानी कि एक फिल्म को उठाना है. तो उनमें वो इतना बड़प्पन था, यू नो विच आई थिंक इज़ ब्यूटिफुल. ऐसी कोई चीज आपने, आई थिंक आई हैव टू गो फॉर द थिंग. ओके या फास्ट लास्ट क्वेश्चन. ओके सो आप अपने कॉलेज में आए हो इतने साल बाद, तो जैसे कि आपने कहा क्या कुछ चेंज है? बहुत ही ऐसे लगता है मैं किसी फ्यूचरिस्टिक यू नो साइंस फिक्शन मूवी देख रही हूँ. इतना पूरा चेंज हो गया, इट्स लाइक अ 5-स्टार होटल. आज के बच्चे इतने लकी हैं कि उनको ऐसे कैंपसेस और ऐसे यू नो चांस मिल रहा है इस तरीके के कॉलेजेस में पढ़ने का. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. Thank you so much. Thank you, Ananji, for such a kind introduction. A big namaskar to all ladies and gentlemen, students who are present here this afternoon with us on this beautiful occasion.
A big namaskar and pranam to all my seniors. It was so wonderful to hear Shyamji speak, then to hear Govindji speak. Bhavnaji is here with us. Javed Saab is here with us. A lot of dignitaries here present today. The trustees, aapko bhi namaskar. Thank you for giving us this occasion to interact with students, parents, teachers, and a lot of people here in the audience. It's a very tall order to actually live up to the kind of things and the kind of enriching talks that Shyamji and after that Govindji have given us. There were too many things that I wanted to say and too many things that I wanted to express. But before I thought I would forget to say something, I've noted everything down. And I would like to talk to the students, especially who I think is their first day. I just heard Somaditya say that's the first day of college. And everyone remembers their first day of college. So I hope this occasion makes it really, a treasured memory for all of you with taking back the lessons that you have heard from my seniors as well. I'm going to take back a lot of what I heard. I'm sure and I hope that it helps you ahead and you remember some of the things spoken by us today ahead in your life. I feel you students today are the youth of this country. You are the next, let's say, generation next. We have done our bit. We have come up till here where we have. Now we hand over this country to you to take ahead and take it ahead gallantly and magnificently. Is a request from all us seniors as we hand over the baton to you ahead, whether it is media or it is arts or it is anything that you are passionate about. Okay. I thank also the Om Puri Foundation and the Har Kisan Mehta Institute for bestowing me this honor of delivering the first ever Om Puri Memorial Lecture. Om Puri Ji is someone whom I've had the honor of working with personally, sitting with him, listening to his enriching stories throughout the years that he has contributed in our film industry. When you think of Om Puri Ji, you normally think of this, very intense, deep, angry young man kind of a projected roles that he did. The most memorable role that for me was actually very, very contrasted, that showed the versatility of the actor that he was. One was Ardh Satya. How many of you have seen Ardh Satya? Excellent. And those who haven't seen it, it's a lesson to be learned. So watch it as something, as a study on what an actor should be. And the second most memorable film of Omji that I enjoyed and I fell off the chair laughing was Jaane Bhi Do Yaaro. I mean, that is a classic. Who would ever forget the avatars, that different avatars that he played throughout being in the industry? He was a wonderful human being. And I'm lucky that I got a chance to work with him at such close quarters. That he was a legendary actor is not what I want to reinstate because we already know that. But I'll give you a very small incident. And that, I think you should take it as a lesson in your life because there are a lot of senior students here. Some of you junior students will meet a lot of senior students as well, thinking, okay, so these guys are the cool ones. They are the seniors. And you probably get nervous also interacting with them. But that's exactly what happened to me. I did three films.